आइए हम देखते हैं पेज मेकर को लोड करना, मीन्स पेज मेकर सॉफ्टवेयर को खोलना। देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करूंगी। देख सकते हैं ये मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से हम प्रोग्राम में जा रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं एडोब या एडोबी भी कहा जाता है इसको, कंपनी का नाम है ये। और इसके अंदर हम देख रहे हैं पेज मेकर 6.5 और फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एडोब पेज मेकर 6.5। यहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं एडोब कंपनी के, हम पेज मेकर 6.5 को देख रहे हैं, एडोब पेज मेकर 6.5। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया, तभी थोड़ी सी देर में हमारे सामने ये देख सकते हैं आप पेज मेकर जो है लोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारा एडोब पेज मेकर 6.5, ये लोड हो चुका है। देख सकते हैं आप देख रहे हैं एडोब 7.0 यदि होता है तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्पलेट्स की विंडो जो है प्रारंभ होती है, उसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए। टेम्पलेट मीन्स होता है पूर्व निर्धारित प्रारूप, जिन डिजाइन्स का हमें रोज प्रयोग करना होता है, जिन डिजाइन्स के लेटर का या विजिटिंग कार्ड्स का या कोई पर्टिकुलर चीज का हमें डेली प्रयोग करना होता है, उनको हम बना के और सेट करके रख लेते हैं और फिर जब भी जरूरत होती है उस पर क्लिक करते हैं तो वो नए खाली मैटर के साथ खुलता है। हम उसमें मैटर डाल सकते हैं और फिर उसे सेव कर सकते हैं तो वो फाइल के रूप में सेव हो जाता है। तो ऐसे बने बनाए प्रारूपों को हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट हम भी बना सकते हैं और बने बनाए भी होते हैं। तो अगर 7.0 आप लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो एक विंडो आएगी जिसके अंदर टेम्पलेट बने हुए होते हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ से उस स्टाइल को जो आप पर्टिकुलर प्रयोग में लेना चाहें तो ले सकते हैं, उन पे डबल क्लिक कर दें, और नहीं तो प्राय हम उसको क्लोज कर देते हैं। वहाँ पे क्लोज बटन होता है, वहाँ से हम उसे क्लोज कर देते हैं और फिर हमें इसी प्रकार की विंडो दिखाई देती है। ये यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ टूल्स जो हैं हमारी प्लेट्स हैं अभी यहाँ से ऑफ हो रही है, मैं एक बार इनको ऑन कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पेज मेकर की विंडो है, ये हमारी टाइटल बार है। टाइटल बार में ये जो आप देख रहे हैं ये पेज मेकर का आइकन है, पी लिखा हुआ है आपके सामने, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है, कंपनी का नाम है, कंपनी सहित सॉफ्टवेयर का नाम है पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। मैंने आपको बताया था कि पेज मेकर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब पेज मेकर 6.5 आप देख रहे हैं। ये पूरी हमारी टाइटल बार है जिसमें नाम प्रदर्शित हो रहा है और यहाँ आप साइड में देख सकते हैं ये हमारे मिनिमाइज मीन्स छोटा करने के लिए, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर मीन्स विंडो को बड़ा करने के लिए या मध्यम साइज में करने के लिए, और ये क्लोज कमांड बटन्स हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं ये है हमारा मेनू बार, इसको आप देख सकते हैं, ये फाइल मेनू, एडिट मेनू, फाइल मेनू में फाइल से संबंधित सभी कार्य हम संपन्न कर सकते हैं, नई फाइल बनाना, खोलना, सेव करना, क्लोज करना, एग्जिट करना आदि। एडिट संपादन के सभी कार्य हम यहाँ से संपन्न करते हैं। लेआउट हमारी जो पेज जो दिखाई देगा उसका प्रारूप हम यहाँ से कैसा हमें दिखाई दे वो यहाँ से लेआउट मेनू से सेट किया जाता है। टाइप
इसमें आप देख रहे हैं एक टाइप मेनू है, जहाँ से मीन्स जो हमें जनरली सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें ये टाइप नाम से मेनू जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम जो मैटर हम जो लिखते हैं उसको बोल्ड इटैलिक करना और साइज वगैरह बढ़ाना, वो सभी सुविधाएं हमें इस मेनू में ही मिलती हैं। यहाँ हमें वो फॉन्ट नाम से नहीं मिल रहा है, टाइप नाम से मिल रहा है, और उसके अंदर हमारे पास उसके लिए सारी फैसिलिटीज हैं, यानी टाइप से संबंधित, टाइपिंग से संबंधित हमें सारी फैसिलिटीज यहाँ मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट मीन्स तत्व, जो भी हम चूज करेंगे, जो भी चीज हम बनाएंगे उसके उसका बॉर्डर वगैरह या उसको कैसे भरना है, उसका बैकग्राउंड किस तरीके का दिखे, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। ये आप देख सकते हैं यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज मीन्स होता है उपयोगिता। इसका प्रयोग करके विशेष प्रकार के कार्य यहाँ से हम संपन्न कर सकते हैं, मैं सभी को डिटेल में आगे बताऊंगी, फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। इसके अंदर बुकलेट वगैरह बनाने से संबंधित बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उनको हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं। ये प्लगइन्स होते हैं इसके अंदर, जिसके द्वारा हम काफी सारी सुविधाओं को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू, देखने ही देखने का कार्य यहाँ से संपन्न किया जाता है। देखने से संबंधित कई चीजें हमें चाहते हैं कि अभी हमें दिखाई दें, और कभी हम चाहते हैं कि ये चीजें दिखाई ना दें, तो वो सभी कार्य हम यहाँ से संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंडो मेनू, विंडो मीन्स होता है खिड़की, तो यहाँ पे ये जो आपकी विंडो दिखाई दे रही है, इसमें एक और विंडो खोलने के लिए या बंद करने के लिए हम विंडो मेनू का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट हेल्प, सहायता लेने के लिए हम हेल्प मेनू का प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमने देखा मेनू बार। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये है हमारी हमारा टूल बॉक्स, औजारों का डब्बा। जिस प्रकार से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए उससे संबंधित बॉक्स को आप साथ रखते हैं, उसमें पेचकस प्लायर वगैरह या जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित औजार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पेज मेकर में कार्य करने के लिए उससे संबंधित औजार हैं ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, अभी हम देखेंगे कि किस टूल को क्या बोलते हैं। अभी फिलहाल हम ये जान लें कि इसे टूल बॉक्स बोलते हैं, और टूल प्लेट भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं इस तरफ, ये हमारी स्टाइल प्लेट है, स्टाइल प्लेट या स्टाइल बॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर स्टाइल और कलर्स दोनों के लिए सुविधाएं हैं, जो हम लिखेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे उन पे कलर करना और मैटर पे स्टाइल्स वगैरह सेट करना, उसके लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। तो हम बाद में देखेंगे फिर किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इन्हें समझते चल रहे हैं। विंडो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम पेज मेकर का। नेक्स्ट आप एक और देखेंगे, ये है नीचे की और हमारी कंट्रोल प्लेट, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी कंट्रोल प्लेट। ये कंट्रोल प्लेट मीन्स नियंत्रित करने वाली प्लेट। कंट्रोल प्लेट और टूल बॉक्स हमारे पेज मेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हैं, इम्पोर्टेंट प्लेट हैं। जो भी टूल बॉक्स में से हम चूज करते हैं कंट्रोल प्लेट में, उसके अनुसार ही मैटर हमें सेटिंग्स हमें दिखाई देती है। कंट्रोल प्लेट एक तरह से एक शॉर्टकट बार है, इसके अंदर बहुत सारे काम करने के लिए शॉर्टकट्स हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे टी पे क्लिक कर रही हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ कुछ खोल नहीं रखा है, जब मैं यहाँ पे पेज खोलूंगी और फिर मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे उसके अनुसार सुविधाएं आ जाएंगी टूल बॉक्स में। अभी हमने कुछ नहीं खोल रखा है, केवल हमारी विंडो खुली हुई है, इसलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिलहाल मैं यही दिखाना चाहूंगी कि ये हमारे टूल बॉक्स और कंट्रोल प्लेट दो हमारे आवश्यक टूल्स हैं, दो हमारे आवश्यक एलिमेंट हैं पेज मेकर पे कार्य करने के लिए। और ये तीनों विंडो यदि आपकी ये दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आप इनको विंडो मेनू में से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, मैं इनको पूरे को बंद कर देती हूँ एक बार, देखिए मैंने इन सबको बंद कर दिया है, और हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं विंडो मेनू से। यदि आपकी स्क्रीन इस प्रकार की आ रही है, तो आप विंडो मेनू में जाएंगे
और ये शो टूल्स पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप शो टूल्स, ये देख सकते हैं आप शो टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टूल प्लेट खुल गई है, टूल बॉक्स खुल गया है। इसी प्रकार से आप पुनः विंडो मेनू पर जाएंगे, और देखिए आप यहाँ से हम शो स्टाइल पर क्लिक करेंगे। इसकी हम जनरली हमें प्रारंभ में आवश्यकता नहीं होती, यदि हम चाहें तो इसे खोल लें, पर शो स्टाइल करेंगे तो हमारी कलर स्टाइल दोनों के साथ खुल जाएगी, शो कलर भी कर सकते थे हम। देखिए आप ये हमारी स्टाइल प्लेट खुल गई है, ये कलर स्टाइल प्लेट खुली है तो स्टाइल टैब के साथ खुली हुई है, और कलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कलर टैब के साथ खुली हुई है। दोनों की एक ही होती है, स्टाइल और कलर दोनों के लिए एक ही बॉक्स खुलता है, बस टैब सेलेक्ट होती है उसके अनुसार। ये अभी हमें इतनी आवश्यक नहीं है, इसको हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे विंडो मेनू में हम जाते हैं और हमारी शो कंट्रोल प्लेट हम करेंगे, ये देखिए तो हमारी कंट्रोल प्लेट नीचे की तरफ खुल के आ गई है, देख सकते हैं आप ये हमारी कंट्रोल प्लेट यहाँ पे खुल गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नई फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल एन को भी हम प्रयोग में ले सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ये हमारा एन पे क्लिक करते ही नई फाइल बनाने के लिए जैसे हमने चूज किया है, तब देख रहे हैं कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है, और देख सकते हैं आप इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हम पेज साइज चूज करेंगे, प्राय ज्यादातर लेटर साइज का प्रयोग किया जाता है तो हम लेटर क्या करके पेपर्स का प्रयोग किया जाता है इसलिए हम लेटर रखते हैं, किंतु आप आवश्यकता अनुसार अपना चूज कर सकते हैं। जैसे आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या इनविटेशन कार्ड बनाना है तो आप पैमाने से उसकी चौड़ाई और लंबाई को नाप सकते हैं। यदि वो आपको यहाँ पे दिख रही है, वो साइज आपको पता है कि इनमें से कोई सी है, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। A4 साइज जनरल पेपर होते हैं जो आप सामान्य पेपर प्रयोग में लेते हैं प्रिंटिंग के लिए, वो A4 साइज के पेपर होते हैं। लीगल जो है बड़े पेपर्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है, मीन्स ये सब पेपर के आकार हैं अलग अलग। यदि आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसमें से कैसे लें, तो आपको जो भी चीज़ बनानी है जितने बड़े पेपर पे आपको उसको प्रिंट करना है या बनाना है मैटर को, आप उस पेपर को पैमाने से नाप लें चौड़ाई और उसकी लंबाई, और फिर उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए डाइमेंशंस के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ आप उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को लिख देंगे कि वो कितने इंचेस है, इंचेस में है यहाँ पे। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे से आप इसमें पेपर की या जो आप कार्ड बनाना चाहते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप के यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपकी इच्छा अनुसार कार्य आप कर पाएंगे। यदि आप यहाँ से सही से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं, और यदि आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से लिया जाए तो आप कस्टम पे भी क्लिक करेंगे। कस्टम मीन्स होता है हमारी स्वयं के द्वारा की जाने वाली सेटिंग, यानी कंप्यूटर की जो सेटिंग होती है वो डिफॉल्ट कहलाती है, और यदि हम उसमें चेंज करते हैं तो वो कस्टम कहलाता है। तो हम कस्टम पे भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा कर्सर अपने आप डाइमेंशंस वाले पर ही आ गया है, यानी हम अपने हिसाब से अपने पेपर का आकार यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से कस्टम चूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो, हमें उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सीधा अपने कर्सर को यहाँ पे रख के और हमारी साइज डाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन, यानी आप कार्ड जो या न्यूज़पेपर या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको आप आड़ा रखना चाहते हैं या खड़ा रखना चाहते हैं, मीन्स किस प्रकार का उसका लेआउट आपका होना चाहिए, ये हम यहाँ से सेट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं, टर्न
टॉल और वाइड, टॉल मीन्स लंबा और वाइड मीन्स चौड़ा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस मीन्स विकल्प हैं कुछ हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं चार चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। पहला चेक बॉक्स है डबल साइडेड, मीन्स जो पेपर अभी जो आपके सामने नई फाइल का जो पेज खुलेगा वो डबल साइडेड हो, यानी हम जब उस पर काम करें तो दोनों तरफ लिखने में आए, और तो ये हम इस चेकबॉक्स को ऑन रखेंगे, वरना सिंगल साइड पेपर यानी एक एक पेपर ही खुलेगा और सिंगल साइड पे ही लिख पाएंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको ऑन रख सकते हैं। और फेसिंग पेज मीन्स जब डबल पेज खुले लेकिन हमारे सामने जिस पेज में हम काम कर रहे हैं वो पेज हमारे सामने रहे, फेसिंग पेज मीन्स फेस चेहरे के सामने रहने वाला पेज, तो यदि हम इस चेक बॉक्स को ऑन रखेंगे तो हमारा सिंगल पेज हमारे सामने की तरफ दिखाई देता रहेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, जब मैंने ये फेसिंग पेज ऑफ कर रही हूँ तो यहाँ कोई और इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन डबल साइडेड को यदि मैं ऑफ करती हूँ तब देखेंगे ये सब बहुत सारे चेकबॉक्स जो है डिसेबल हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। देखिए आप एक बार फिर देखते हैं, ये देखिए ये इनसाइड और आउटसाइड का ये जो है ये आपका इनेबल हो गया है, और जब हम इसको यूँ क्लिक करते हैं ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट आ जाता है। एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी कि जैसे अभी हमने डबल साइडेड को ऑफ किया हुआ है और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ओके कर रही हूँ, तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे सामने पेज खुल के आया है, देख सकते हैं आप। और मैं इसको वापस क्लोज करती हूँ और मैं वापस वहां से आपके सामने चेंज करती हूँ। देखिए अब की बार ये डबल साइडेड चेकबॉक्स ऑन है, इसको अभी ऑफ कर देते हैं हम और ये खोलते हैं। ये देखिए इस प्रकार से खुल के आया है हमारे सामने, अभी हमें इसमें कोई अंतर नहीं महसूस हुआ है, देख रहे हैं आप। ये देखिए देख सकते हैं, ये देखते हैं हम एक बार दोबारा, ये हम इसको क्लोज करते हैं, न्यू पे हम पुनः क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर डबल साइडेड को ऑफ करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ खास बात हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ केवल आर लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स राइट। ये मैं आगे धीरे धीरे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे समझाऊंगी, फिलहाल हम देख लें कि यानी एक ही पेज को ये हमारे सामने खुल रहा है। दिख तो हमें वैसे भी एक ही पेज रहा है, लेकिन राइट पेज है ये, राइट साइड का पेज है। जिस प्रकार से कोई किताब होती है आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कोई किताब है तो केवल ये इस तरफ का पेज हमें दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। ये जो किताब है इसको हम खोल के देखते हैं कि ये केवल ये पेज हमें दिखेगा, राइट साइड का ये वाला पेज, इस तरफ का पेज हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने डबल साइड को ऑफ किया है, मीन्स हमने कहा है कि हमें केवल इस प्रकार की किताब बनानी है जिसमें एक ही तरफ पे लिखना है, हमें इस तरफ नहीं लिखना है, केवल सिंगल साइड पे लिखना है, तो इसीलिए उसने हमें राइट साइड के लिए पेज के साथ हमारे पास ये खोल दिया है। यहाँ पे देखिए आप आर लिखा हुआ आ रहा है, यानी राइट साइड के पेजेस हैं। और मैं दोबारा इसको करती हूँ, अब के बार हम उसे ऑन करेंगे, देखिए आप न्यू, और मैंने इसको अब की बार देखिए ये ऑन है और ये फेसिंग पेज मीन्स वही पेज हमारे सामने रहेगा, तो आप देखेंगे ये देखिए ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ एल और आर दो हमारे सामने जो है बॉक्स आ चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं ये है एल और आर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों पेजेस के साथ, चूंकि किंतु हमने चूंकि फेसिंग पेज वहां पे चेकबॉक्स ऑन कर रखा है इसलिए हमारे सामने दिख सिंगल पेज ही रहा है। आप देख सकते हैं सिंगल पेज के साथ हमारे सामने विंडो खुली हुई है, और आप देखेंगे यदि मैं इसको क्लोज करके और अब की बार फेसिंग पेज को ऑफ करती हूँ, देखिए आप ये मैं फेसिंग पेज को ऑफ कर देती हूँ चेकबॉक्स को, और फिर ओके करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा एलआर के साथ ही है, लेकिन
ये हमारे फेस के सामने जो है सिंगल पेज है, किंतु 1 मिनट, चूंकि हमने पेज एक ही लिया है इसलिए हमारे सामने एक ही पेज आ रहा है। मैं दोबारा इसको न्यू करती हूँ और फेस प्रिंट पेज हमारा ऑन है। यहाँ आप देखिए, ये इसके बाद नीचे जो है इस जगह पे नंबर ऑफ पेजेस हमें लिखने हैं। यहाँ हम कितने पेजेस हमें एक साथ खोलने हैं वो सीरीज डाल सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे को 10 पेजेस खोलने हैं तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, देख सकते हैं आप, मैंने 10 लिख दिया है यहाँ पे। और प्रथम पेज मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है उस चीज को मैं यहाँ देखूंगी। एक से मैं, मेरा मीन्स प्रथम पेज जो है, इस पे एक नंबर आए या दो नंबर आए या तीन आए, वो यहाँ सेट किया जा सकता है। तो प्राय हम जब प्रारंभ में काम कर रहे होते हैं तो नंबर एक ही डालते हैं, प्रथम पेज जो हमारा एक नंबर ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही लिखते हैं। किंतु आप आवश्यकता अनुसार, हो सकता है कि आपने किसी और फाइल में 8-10 पेज कर रखे हो, तो आगे का नंबर यहाँ डाल सकते हैं, उस सिचुएशन में ये काम में आता है। अभी मैं फेसिंग पेज को आगे दोबारा बताऊंगी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे 10 नंबर डाल दिया है। तो देखिए, अभी जब मैं आपको कर रही हूँ तो देख रहे हैं आप, सिंगल पेज हमारे सामने है और पेज यहाँ पे हमारा फ्रंट में एक आ रहा है। और यहाँ आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 10 तक खुल के हमारे सामने आ गए हैं, देख सकते हैं ये आप, ये देखिए आप, पेज 10 तक हमारे सामने हो गए हैं और जोड़े बन गए हैं। ये एक राइट साइड का होता है इसलिए ये एक ही रहता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से हमारे सामने जोड़े बन गए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे डबल साइड लिया हुआ है इसलिए, और हमने फेसिंग पेज सामने किया हुआ है इसलिए ये थोड़ा हमारे सामने चेंज है। किंतु अभी हम जब इसको इसी स्टाइल में खोलेंगे और पेज फेसिंग पेज को ऑफ करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, हमने अब की बार यहाँ पे नंबर वही पेज नंबर 10 ही रख रहे हैं हम, देख सकते हैं आप। और ये मैं यहाँ पे पेज नंबर 10, मतलब हमें 10 पेजेस खोलने हैं तो मैं 10 यहाँ पे डाल देती हूँ। देखिए, देख सकते हैं, और ये फेसिंग पेज को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब आप देखते हैं कि हमारे सामने, यहाँ अभी भी हमारे सामने सिंगल पेज खुला है, किंतु यदि हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने 2 पेज अभी खुलेंगे ये। देखिए, ये आप हमारे सामने 2 पेज खुल गए हैं, देखिए 2 और 3। अब यदि हम फेसिंग पेज को ऑन रखेंगे तो, और पेज नंबर हम यदि ज्यादा डाल चुके होंगे, जैसे हमें 10 पेजेस डालने या 3 पेजेस डालने या 4 पेजेस हम वहां पे डाल देंगे पेजेस नंबर्स में, तब फिर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अब हमारे सामने फेसिंग पेज 2 आ रहे हैं, 2 पेज हमारे साथ सामने एक साथ फेस के सामने आ रहे हैं और हम 2 पेजेस पे एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये इस सिचुएशन में काम में आता है। काम तो हम एक पर ही करेंगे किंतु 2 पेज हम एक साथ देख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं। मैं वापस फाइल मेनू पे जा रही हूँ और हमारे वापस हम न्यू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, यदि एक बार फाइल खोल चुके हैं तो यहाँ फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट सेटअप सब मेनू का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो अभी आपने देखा कि डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस के ऑन ऑफ करने से क्या होता है, आप समझ चुके हैं इस बात को, देख सकते हैं आप। हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्ट लेआउट। ये लेआउट को एडजस्ट रखने के लिए होता है। चेक बॉक्स पे भी ऑन रखेंगे तो हमारा जो प्रारूप है वो एडजस्ट रहेगा। और रीस्टार्ट पेज नंबरिंग, यदि इस चेक बॉक्स को हम ऑन करेंगे तो हर बार हमारा पेज वन नंबर से स्टार्ट होगा, यानी जैसे ही हम दूसरा पेज चेंज करेंगे तो उसका नंबर भी वन होगा, यानी हर पेज पेज से नेक्स्ट पेज से पेज नंबरिंग जो है दोबारा स्टार्ट होगी। इसी को बोलते हैं रीस्टार्ट पेज नंबरिंग। तो उस सिचुएशन के लिए हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखेंगे नीचे मार्जिन फ्रेम आ रहा है, और मार्जिन फ्रेम में अभी हमारे सामने आ रहा है इनसाइट, क्योंकि अभी जो हमने किया हुआ है उसमें हमारे सामने एक साथ दो पेजेस खुले हुए हैं। तो दो पेजेस में आप देख रहे हैं जैसे ये पेज है, तो यदि यहाँ पे नंबरिंग चाहिए तो ये इनसाइट कहलाती है, और यदि यानी इस पेज पे इस तरफ लेफ्ट पेज में राइट साइड पे, और राइट पेज पे लेफ्ट साइड में, ये हमारी यदि हम चाहते हैं यहाँ नंबरिंग आए तो इसे हम इनसाइट बोलते हैं, और यदि इस तरफ नंबर आए राइट लेफ्ट पेज पे लेफ्ट साइड में और राइट पेज में राइट साइड पर नंबरिंग आए तो इसको हम बोलते हैं आउटसाइड। तो चूंकि अभी हमने फेसिंग पेज यानी डबल साइडेड पेजेस को प्रयोग में लिया हुआ है इसलिए ये ऑटोमेटिकली ऑन है, और यदि हम इसे यहाँ से इसमें हम इसको ऑफ करते हैं तो देखेंगे आप ये इनसाइड और आउटसाइड की जगह पे लेफ्ट और राइट आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए मैंने डबल साइडेड को जब ऑफ किया ऊपर जाके यहाँ पे, तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ये लेफ्ट आ गया है और ये राइट आ गया है। तो ये मार्जिन्स के लिए होता है कि लेफ्ट साइड में आपको हाशिया कितना छोड़ना है, यानी लेफ्ट साइड में जब आप लिखना शुरू करें तो पेजेस पेज में कितनी जगह छूटे, लेफ्ट साइड में कितनी जगह छूटे, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 1 इंच का है तो ये देखिए आपकी ये जो छूटा हुआ है इसी को हम बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी चेंज करती हूँ इसको, मैं यहाँ 2 कर देती हूँ। तो अभी जब हम इसको ओके करेंगे तो देखिए हमारे उसमें अंतर आ गया है। ये देखिए ये हमारी इस तरफ का मार्जिन ज्यादा छूट गया है, देखिए देख सकते हैं आप। तो ये लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ने के लिए इसी प्रकार से हमारे पास इसमें और भी हैं। ये हमारा राइट साइड में मार्जिन छोड़ने के लिए कि हम राइट साइड में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, हम लेफ्ट में 1 रखते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। राइट साइड में यहाँ 0.75 इंचेस का स्पेस छूटा हुआ है। इसी प्रकार से टॉप मींस ऊपर की तरफ आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं पेज में, और बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे की तरफ आप कितना स्पेस जो है छोड़ना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग हम यहाँ मार्जिन्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं ये जो है नीचे की तरफ एक कॉम्बो दिखाई दे रहा है टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन का। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है DPI। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, मीन्स आप जो लिख रहे हैं, जो भी आप मैटर बना रहे हैं, आप कार्ड छाप रहे हैं, तो उसका रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए, यानी उसमें जो एक आकृति या एक वो बनती है तो उसमें 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स द्वारा वो बने, उस आकृति में एक पार्ट 1 इंच में, 1 इंच के अंदर जो है 300 डॉट्स लेकर वो पूरी आकृति को इस प्रकार से बना सके। तो यहाँ अभी 300 है, यदि आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉम्बो में और भी हमारे सामने दे रखा है, देख सकते हैं आप 300, 600, 1200, 1270 और 1693, 2400, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिजोल्यूशन दे रखे हैं।
और जितना रिजोल्यूशन आप जितने ज़्यादा डॉट्स लेंगे 1 इंच में, उतना आपका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, मीन्स आपकी आकृति जो है घनी दिखाई देगी। क्योंकि 1 इंच में भी यदि 300 डॉट्स हैं, यदि 300 की जगह 600 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब बहुत पास 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 वो डॉट्स बनेंगे। तो यानी जब हम कोई लिख रहे हैं, जो भी मैटर लिख रहे हैं, उसका जब प्रिंट निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रिजोल्यूशन सेट करने के लिए। रिजोल्यूशन मीन्स होता है घनत्व, जो भी आकृति है वो कितने ज्यादा पास पास बिंदुओं द्वारा बने। तो यहां से हम उसको सेट करते हैं। यदि हम नहीं भी करेंगे तो डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है कंप्यूटर की, हमेशा डिफॉल्ट सेटिंग नॉर्मल ही होती है कि आसानी से सभी व्यक्ति उसको काम में ले सके, उन्हीं के योग्य होती है वो सेटिंग। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आ रही है वो भी ठीक ही होती है। जब आप समझने लगते हैं तो फिर आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं आप प्रिंटर कंपोज टू प्रिंटर, मीन्स आपका जो है प्रिंटर के लिए यहाँ पे है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स, इसमें से हम हमारा प्रिंटर चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास प्रिंटर है वो यदि यहाँ लिस्ट में आ रहा है तो आप उसको वहां से ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रिंटर यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने प्रिंटर को जो है इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, कंप्यूटर में स्थापित नहीं किया हुआ है। तो आप अपने प्रिंटर को पहले स्थापित कर लें। तो ये अभी हमने देखा डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स, जो हम कंट्रोल एन द्वारा खोलते हैं, यानी नई फाइल बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, वो है हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स। और इसी को हम एक बार खोलने के बाद फाइल मेनू में जाके और डॉक्यूमेंट सेटअप से भी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप नाम से भी ये हमें मिलता है। देखिए आप, ये देखिए मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं हम फाइल मेनू में, ये देखिए मैं फाइल मेनू पे जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, देखिए आप ये देखिए, और यहाँ पे हमारे सामने ये देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप है, देख सकते हैं आप, देखिए ये देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप है आपके सामने। इसको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी दबाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने हमारा डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स आ गया है। नेक्स्ट आप इसमें एक चीज और देख रहे हैं जो अभी हमने नहीं काम में लिए, नंबर्स। देखिए पेज की जो नंबरिंग है उसकी सेटिंग के लिए हम इसको प्रयोग में लेते हैं। आइए मैं इस पे क्लिक करती हूँ कि देखते हैं हम इससे क्या होता है। देखिए मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन बटन्स आ रहे हैं। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, मीन्स इतने सारे में से हमें एक चूज करना होता है। तो ये है हमारी पेज नंबरिंग के स्टाइल के लिए। यदि आप 1 2 3 4 ही नंबरिंग में लिखना चाहते हैं, ये यहाँ जो देख रहे हैं आप ये नंबरिंग आपकी, ये जो आप देख रहे हैं ये नंबरिंग आपकी चेंज नहीं होगी, ये तो 1 2 3 4 ही आएगी। लेकिन जो आप जब प्रिंट करेंगे तो पेज के नीचे की तरफ यहाँ जो नंबर डालेंगे ये उसके चेंजेस के लिए है। देखते हैं अपन यहाँ पे, अभी मैंने अपर रोमन वाले पे क्लिक किया है, आप देखिए मैं ओके करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ही आ रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मीन्स ये जो नंबरिंग की सेटिंग है ये पेज के नीचे की तरफ या जहां भी हम डालेंगे ना उस जगह के लिए है। तो देखिए आप हम इससे क्या करते हैं, ये देखिए अरेबिक नंबर न्यूमरल्स, मीन्स ये जो 1 2 3 4 हम जो यूज में लेते हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स न्यूमरल्स होते हैं, देख सकते हैं ये देखिए ये अरेबिक होते हैं अरेबिक, और दूसरे हैं अपर रोमन यानी बड़ी वाली रोमन संख्या में, देख सकते हैं आप ये 1 2 3 इस प्रकार से। यदि आपको नंबरिंग प्रयोग में लेनी है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लोअर रोमन, मीन्स छोटे रोमन में लिखना हो, देख सकते हैं आप छोटा आई जो हम लिखते हैं, फिर डबल आई ट्रिपल आई,
आईवी इस तरीके से छोटे रोमन संख्या में यदि पेज में नंबरिंग डालना चाहते हैं तो हम इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हम अपर अल्फाबेटिक ले सकते हैं, ए बी सी बड़ी एबीसीडी में हम छोटा वाला ले सकते हैं, लोअर अल्फाबेटिक मीन्स स्मॉल एबीसीडी। इस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर चूज कर सकते हैं कि पेज में जो नंबरिंग है वो किस प्रकार की है। नेक्स्ट आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे टी ओ सी एंड इंडेक्स प्रेफरेंस भी दिया हो, प्रीफिक्स भी दिया हुआ है। सॉरी, टी ओ सी का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने आपको बताया था पहले भी एमएस ऑफिस के दौरान कि टी ओ सी जो होती है, जब भी हम कोई पुस्तक बनाते हैं या पुस्तक हम देखते हैं मार्केट से, जो पुस्तकें हमारी बनी बनाई आती हैं उनमें जो प्राय पेज किताब के प्रारंभ में, फर्स्ट पेज को चेंज करते ही किताब के प्रारंभ में जो बनी हुई होती हैं उसमें लिखा होता है कौन से पेज नंबर पे कौन सा मैटर है, उसको हम टी ओ सी बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। और इसी प्रकार से इंडेक्स होती है जो प्राय किताबों में पीछे की ओर दी जाती है, सूची ही होता है इसका मतलब, पर ये किताबों में पीछे की ओर दी जाती है। ये इसमें इंडेक्स में खास बात ये होती है, इसमें पेज नंबर जो है हमारे क्रम से होते हैं, सॉरी अल्फाबेटिकली जो है हमारा मैटर क्रम से होता है। जैसे ए से शुरू होने वाला मैटर हमारा जो है पेज नंबर 1 पे है, फिर बी से शुरू होने वाला पेज मैटर जो है हमारा पेज नंबर 2 पे भी था और 10 पे भी है। तो जिस पे भी पहले वो अल्फाबेटिकली जो है लेटर जो है जमे हुए होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के टी ओ सी और इंडेक्स दोनों में अंतर। तो फिलहाल हमें यहाँ ये समझना है कि टी ओ सी एंड इंडेक्स में यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं और इंडेक्स बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाना चाहते हैं। प्रीफिक्स आप सब जानते हैं, उपसर्ग, यानी पेज नंबर के आगे पहले की तरफ क्या चिन्ह लगे या क्या चीज आए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, हर टेबल ऑफ कंटेंट के आगे की तरफ हमें जो भी अक्षर यहाँ से लिखना है उसको हम इसमें चूज कर सकते हैं। हम कोई साइन भी ले सकते हैं, जैसे ये मैंने डॉलर साइन ले दिया है कीबोर्ड में से, तो हमेशा जब भी मेरी टी ओ सी जब मैं बनाऊंगी तो उसके आगे की तरफ डॉलर साइन भी लिखा हुआ आएगा, फिर डॉलर के बाद लिखा हुआ आएगा 1 या 2 जो भी मैं सेट करूंगी। तो ये हमने देखा पेज नंबरिंग, और पेज नंबरिंग में भी हमने पेज नंबर्स के स्टाइल्स को देखा। तो अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, मैंने अभी कैंसिल कर दिया है इसको, पेज हमने हमारे पहले से खोल रखे हैं इसलिए मैं इसको भी कैंसिल कर रही हूँ। ये देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी पुनः पेज मेकर की विंडो हमारे सामने है, स्क्रीन हमारे सामने है। देखिए आप, ये देखिए अभी हमने सिंगल पेज के साथ खोल रखी है, यानी हम डबल साइडेड जो चेकबॉक्स था उसको ऑफ किया हुआ है। अब देखिए आप, ये हमारा टूल बॉक्स है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। टूल बॉक्स को मैंने इसको यहाँ ले लिया है, देखिए आप ये हमारा टूल बॉक्स है, देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं माउस को किसी भी आइकन पर लेके जाऊंगी तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। प्राय दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जैसे एमएस ऑफिस में हम देखते थे कि माउस को जैसे ही लेके जाते थे तो वह लिखा हुआ आ जाता था, उससे हम कमेंट बोलते थे, किंतु यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझें कि ये जो टूल हैं हमारे, हम इसको क्या क्या कहते हैं। देखिए ये है हमारा पॉइंटर टूल या सेलेक्शन टूल, मीन्स जो भी मैटर हम लिखेंगे या जो चित्र हम यहाँ पे काम में लेंगे उसको उठाने, मूव करने या कोई भी काम करने के लिए हम इस पॉइंटर का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा हम उस टूल को सेलेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ नाम देख रहे हैं, ये है हमारा पॉइंटर टूल या सेलेक्शन टूल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं।